हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुवंदा शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेब मंथ की टॉप 11 जॉब वैकेंसीज के बारे में। ये ध्यान में रखते हुए कि इस वीडियो को सभी एज, जेंडर एंड क्वालिफिकेशन के लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे सभी के लिए जॉब्स इंक्लूड की हैं। यानी आप चाहे 10th पास हैं, चाहे आप 12th पास हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आप आर्ट्स से आते हैं, कॉमर्स से आते हैं या साइंस से आते हैं, आपकी एज 18 से 30 के बीच में जो भी हो, और जो SC ST एंड OBC के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज 30 प्लस में जो भी हो, यानी 33-35 जो भी आपकी एज है, आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी 10th-12th पास तीनों अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और एज 18 से 30 के बीच में फॉर अनरिजर्व्ड और जनरल कैंडिडेट्स, एंड 18-35 फॉर अनरिजर्व्ड और SC ST कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी आप में से वो सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ कोई ना कोई जॉब इन 11 जॉब्स में से आपके काम की ज़रूर निकलेगी। हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट जॉब के साथ, जो है SSC Phase 12th। आपने SSC के कई सारे एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, जैसे SSC CHSL एंड SSC CGL, लेकिन आपने SSC Phase 12th के बारे में शायद ही सुना हो। काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन कम होता है और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरीके से SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के कई सारे डिपार्टमेंट्स के लिए होते हैं, सेम वे SSC Phase 12th का भी जो एग्ज़ाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए होता है, जिसमें ग्रुप B एंड ग्रुप C की पोस्ट भरी जाती हैं। जो ग्रेजुएशन के लेवल पे पोस्ट भरी जाती हैं ये ग्रुप B की होती हैं, 10th एंड 12th के लेवल पे जो पोस्ट भरी जाती हैं ये ग्रुप C की पोस्ट होती है। इसके थ्रू असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क जैसे पोस्ट पे जॉब वैकेंसीज निकलती हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहता है कि कोई भी 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप जिस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अप्लाई करेंगे आप उसी लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। SSC के बाकी एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता। SSC के एग्जाम्स या तो 10th पास लोगों के लिए अलग से करवाए जाते हैं, 12th के लिए अलग से होते हैं, ग्रेजुएट्स के लिए अलग से होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जो सभी के लिए कॉमन होता है। इसमें एज की बात करें तो जितने भी 10th पास होते हैं वो 18-25 के एज ब्रैकेट में अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी 12th पास होते हैं वो 18-27 के एज ब्रैकेट में अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी ग्रेजुएट्स हैं ये 18-30 के एज ब्रैकेट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म्स फर्स्ट वीक ऑफ फेब में एक्सपेक्टेड थे, बट ऑलरेडी थोड़े से लेट चल रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट नाउ एनी डे इसके फॉर्म्स आ सकते हैं, कभी भी इसके फॉर्म्स निकल सकते हैं। इसके फॉर्म्स आपको ssc.nic.in पे ही अवेलेबल होंगे, वहीं पे आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी करना है। फॉर्म फीस इसकी जनरल एंड OBC के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ एंड सभी फीमेल कैंडिडेट्स एंड SC ST के लिए 0 रुपीज़ फॉर्म फीस रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो पिछले साल का डेटा देखते हुए ऑलमोस्ट 5000 प्लस वैकेंसीज़ इसमें आएंगी। सेकंड जॉब वैकेंसी की बात करते हैं, जो है इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निवीर रिक्रूटमेंट। इसमें 5 डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसीज़ हैं। ये 5 पोस्ट हैं स्टोर कीपर, जनरल ड्यूटी क्लर्क, टेक्नीशियन एंड ट्रेड्समैन। जो क्वालिफिकेशन है 5 पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। जैसे GD एंड ट्रेड्समैन के लिए मांगा गया है कि आपने मिनिमम 10th पास किया हो विद मिनिमम 45% मार्क्स। स्टोर कीपर एंड क्लर्क के लिए मांगा गया है कि आपने मिनिमम 12th पास किया हो विद मिनिमम 60% मार्क्स। एंड टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए मांगा गया है कि आपने मिनिमम 12th पास किया हो विद PCM विद मिनिमम 50% मार्क्स। इसके फॉर्म्स 13th ऑफ फेब से स्टार्ट होंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट 12th मार्च होगी। इसकी फॉर्म फीस सभी के लिए 200 रुपीज़ रहेगी। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। इसमें एज मांगी जाएगी 17.5 से लेकर के 21 ईयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एक रिटन एग्जाम होगा और एक रैली भर्ती होगी, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा और आपके मेडिकल्स भी होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इसको बहुत जल्दी कवर करूंगी। थर्ड जॉब वैकेंसी है IDBI बैंक की तरफ से, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं। इसमें टोटल 500 वैकेंसीज हैं। इसमें फॉर्म डेट जो है 12th फेब से स्टार्ट हुई है और 26th फेब इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। इसकी एग्जाम डेट भी ऑलरेडी बता दी गई है, जो 17th मार्च रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगा गया है कि आपकी एज 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। SC ST एंड OBC को इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें SC ST को 5 ईयर्स एंड OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा। क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, जिसने किसी भी स्ट्रीम से किसी भी ईयर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। सिर्फ एक शर्त है कि मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। इसमें सैलरी जो है आपको ₹50,000 पर मंथ मिलेगी। फोर्थ जॉब वैकेंसी है NIACL की तरफ से, यानी न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसमें 300 वैकेंसीज निकली हैं असिस्टेंट के पोस्ट में।
इसके फॉर्म्स ऑलरेडी 1 फेब से स्टार्ट हो गए हैं। 15 फेब इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। मैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत पास है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगा गया है कि कोई भी पर्सन जिसकी एज 21 से 30 ईयर्स के बीच में है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और कोई भी पर्सन जिसने अपना ग्रेजुएशन किया है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में कितने भी परसेंट के साथ किया हो, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें आपकी सैलरी ₹35,000 पर मंथ रहेगी। 5th जॉब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स की तरफ से। इसमें आपकी जो वर्क लोकेशन है वो दिल्ली रहेगी। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, जो है 10,290 टोटल वैकेंसीज, और इसके फॉर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 13th फेब है। अगर किसी जॉब वैकेंसी की लास्ट डेट सबसे पास है तो वो ये जॉब वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। फटाफट इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई कर दीजिए, लेकिन पहले आप इंश्योर कीजिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। इसके लिए क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि आपने अपना 12th पास किया हो, चाहे आपने किसी भी ईयर में कितने भी परसेंट के साथ और किसी भी स्ट्रीम में क्लियर किया है, चलेगा। आपकी एज इसमें 20-40 के बीच में होनी चाहिए, तो एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि इसमें आपके क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास मांगी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है, किसी भी स्ट्रीम और परसेंट के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एज 20-40 रखी गई है। इसके लिए फॉर्म फीस रहेगी ₹100, और इसमें आपकी जो सैलरी है ये इनिशियली 20,000 से 25,000 पर मंथ रहेगी। बात करते हैं 6th जॉब वैकेंसी के बारे में, जो इंडियन रेलवेज की तरफ से है, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पे, जिसके लिए टोटल 5,696 यानी ऑलमोस्ट 5,700 वैकेंसीज हैं। इसके लिए कोई भी ITI, कोई भी डिप्लोमा, कोई भी BE या BTech जिन्होंने किया है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट है 18 से 30 ईयर्स, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की ये है 19th फेब 2024। असिस्टेंट लोको पायलट में आपकी जो मंथली सैलरी है इनिशियली 20-25,000 रहेगी। 7th जॉब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो DSSP की तरफ से है, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट पे वैकेंसीज हैं, जिसमें 567 पोस्ट खाली हैं। एज में मांगा गया है कि आपकी एज 18 से 27 के बीच में हो। क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि कोई भी 10th पास इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके फॉर्म्स 8th फेब से स्टार्ट हो गए हैं। 8th मार्च इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसकी फॉर्म फीस ₹100 रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज कुछ लोगों के लिए फॉर्म फीस माफ़ है, और इसमें आपकी जो सैलरी है ये 25,000 पर मंथ रहेगी। 8th जॉब वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जिसमें नाविक के पोस्ट पे, यानी जनरल ड्यूटी वाली जॉब वैकेंसीज हैं, जिसमें टोटल 260 पोस्ट हैं। इसमें मांगा गया है कि कोई भी 12th पास जिसके पास 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स का सब्जेक्ट था, इसके लिए अप्लाई कर सकता है या कर सकती है। इसमें आपकी एज 18 से 22 के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 27th फेब रहेगी। 13th फेब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, यानी अभी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी ₹25,000 पर मंथ। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ही हमारी 9th जॉब वैकेंसी है, जो है असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे। ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। इसमें जनरल ड्यूटी एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग की जॉब वैकेंसीज निकली हुई हैं। क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि जिनके पास या तो कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है विद 12th में PCM होना, या जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें 21 से 25 मांगी गई है। अप्लाई करने की डेट 15th फेब से 28th फेब है, और इसमें आपको जो इनिशियली सैलरी मिलती है ये 60-65,000 पर मंथ रहती है। 10th जॉब वैकेंसी है नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे की तरफ से, जिसमें फायरमैन, ड्रॉट्समैन, ड्राइवर, MTS, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट पे वैकेंसीज हैं। इसके लिए 10th पास कैंडिडेट्स, 12th पास कैंडिडेट्स एंड ITI वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज मांगी गई है 18 से 27 के बीच में, और इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 16th फेब। इसमें आपकी जो सैलरी है इनिशियली 15-18,000 पर मंथ से लेकर के 25,000 पर मंथ तक हो सकती है, जो अलग अलग पोस्ट पे वेरी करती है। 11th एंड लास्ट जॉब वैकेंसी है इंडियन आर्मी की तरफ से, जो SSC टेक की पोस्ट पे है। यानी SSC टेक एक डायरेक्ट एंट्री होती है, जिसमें आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना होता, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। ये ऑफिसर पोस्ट पे वैकेंसी है, इसके लिए मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में BE या BTech किया हो। आपकी एज इसमें 20-27 के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 21st फेब है। इसके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं होती है, और इसमें आपकी जो सैलरी है इनिशियली 70-75,000 पर मंथ रहती है। वीडियो में हमने 11 जॉब वैकेंसीज कवर की, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, और आपने देखा होगा कि मैंने बहुत स्पीड में वैकेंसीज कवर की, फॉर सेम रीज़न, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये थी आज की सभी जॉब वैकेंसीज। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको इनमें से किसी भी वैकेंसी को लेके डाउट है, या अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।